आरती, काफी देर से तुम्हारी बातें सुन रहा हूं। मैं चुप हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे मुंह में जबान नहीं है। अरे मानता हूं कि आज सब तुम्हारा ऐसे रईसों से पाला पड़ा होगा जिनके लिए औरतें सिर्फ एक खिलौना है, एक खेल है। लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है मैडम। हम रईस जरूर हैं, लेकिन हमारे खानदान में औरतों को देवी की तरह पूजा जाता है। और माफ कीजिएगा, आप अभी तक इस वक्त इस घर में इसलिए खड़ी हैं क्योंकि हमारे यहां सबसे ज्यादा इज्जत महिलाओं को दी जाती है। अगर आपका एक्सपीरियंस खराब रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया के सारे रईस उन रईसों की तरह हो जाएंगे। इसलिए अपनी जबान को लगाम दीजिए। बेहतर होगा कि आप अपने दिमाग से गंदगी निकाल फेंकें और हर रईस के बारे में ऐसा बोलना बंद कर दें। बेटर है कि आप जा सकती हैं। आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि वही कौन हो।